डियर स्टूडेंट्स, कायदे आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के इवनिंग सेशंस में सेल्फ फाइनेंस बेसिस पे एडमिशन्स अनाउंस कर दिए गए हैं और इसके साथ ही यूनिवर्सिटी की तरफ से बीएस प्रोग्राम्स के फिफ्थ सेमेस्टर में रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस बेसिस पे एडमिशन्स ओपन कर दिए गए हैं, जिनमें वो कैंडिडेट्स एडमिशन ले सकते हैं जिन्होंने 14 ईयर्स एजुकेशन यानी बीए या बीएससी कम्प्लीट किया हो। इस वीडियो में आपको इन दोनों एडमिशन्स की कम्प्लीट डिटेल प्रोवाइड करेंगे। इससे पहले कायदे आज़म यूनिवर्सिटी की तरफ से जून के महीने में अंडर ग्रेजुएट बीएस प्रोग्राम्स के मॉर्निंग सेशंस में एडमिशन स्टार्ट किए गए, जिसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 20 जुलाई थी, लेकिन डेडलाइन गुजरने के बाद इसमें 6 अगस्त तक एक्सटेंशन कर दी गई। लेकिन इनमें डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के एडमिशन की अनाउंसमेंट नहीं हुई थी और डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के एडमिशन अलग से अनाउंस किए गए, जिसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 31 अगस्त है। 2019 में पहली बार कायदे आज़म यूनिवर्सिटी की तरफ से अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में इवनिंग सेशंस में सेल्फ फाइनेंस बेसिस पे एडमिशंस किए गए। इस साल इवनिंग प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 31 है। अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स के इंटरमीडिएट पार्ट वन में एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए। ऑफर होने वाले डिग्री प्रोग्राम्स में शामिल हैं फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंसेज में केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, जियोफिजिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और स्टेटिस्टिक्स, फैकल्टी ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज में बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, एनवायरमेंटल साइंसेज, माइक्रोबायोलॉजी और जुआलॉजी, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज में आर्कियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, पाकिस्तान स्टडीज और सोशियोलॉजी। बीएस इवनिंग प्रोग्राम्स का फी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, जिसमें पहले सेमेस्टर की फी 99,200 रुपये और बाकी सेमेस्टर्स की 80,600 रुपये पर सेमेस्टर है। कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट बीएस प्रोग्राम्स के इवनिंग सेशंस के 2019 के क्लोजिंग मेरिट्स की डिटेल आप देख सकते हैं। लास्ट ईयर इन प्रोग्राम्स की सिर्फ 2 मेरिट लिस्ट डिस्प्ले की गई थी। एडमिशन के लिए अप्लाई कायदे आज़म यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम के थ्रू होगा। कायदे आज़म यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के इस पेज से ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। ऑनलाइन अप्लाई करने का मुकम्मल प्रोसीजर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर दिया गया है। दी गई तमाम इंस्ट्रक्शंस को 1 by 1 फॉलो करते हुए अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट करें। अप्लाई करते वक्त इन तमाम डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेड फोटोकॉपी स्कैन करके अटैच करनी होंगी। स्टूडेंट्स एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स या डिसिप्लिन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए इन्हें प्रेफरेंस सेट करनी होगी। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी हबीब बैंक लिमिटेड की किसी भी ब्रांच में 2115 रुपये या अस्करी बैंक लिमिटेड की किसी भी ब्रांच में 2100 रुपये डिपॉजिट कराएं। दोनों में से किसी एक बैंक का चालान पे करें। ऑनलाइन एडमिशन डेटा समरी शीट में स्कैन डॉक्यूमेंट्स के साथ बैंक चालान भी अटैच करना होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन 31 अगस्त से पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए। अप्लाई करने का सारा प्रोसीजर ऑनलाइन है और कोई एप्लीकेशन फॉर्म बाय हैंड या बाय पोस्ट भेजने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट डेट के बाद तमाम एप्लीकेंट्स का डेटा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अवेलेबल होगा। अगर किसी स्टूडेंट को अपने डेटा में कोई मिस्टेक नज़र आए तो वो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके 7 सितंबर से पहले करेक्शन करवा ले। अंडर ग्रेजुएट इवनिंग प्रोग्राम्स की पहली मेरिट लिस्ट 15 सितंबर को डिस्प्ले होगी, सेकंड लिस्ट 18 सितंबर को, थर्ड लिस्ट 22 सितंबर और फोर्थ लिस्ट 25 सितंबर को लगेगी। मेरिट कैलकुलेशन फार्मूला में 30% वेटेज मैट्रिक के मार्क्स की और 70% वेटेज इंटरमीडिएट पार्ट वन के मार्क्स की होगी। इवनिंग प्रोग्राम्स की क्लासेस की टाइमिंग दोपहर 3 बजे से रात 8 बजे तक है। इवनिंग प्रोग्राम्स के स्टूडेंट्स को हॉस्टल अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं की जाएगी। इसके बाद बीएस प्रोग्राम्स के फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन के लिए पाकिस्तानी और फॉरेन नेशनल्स अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी लास्ट डेट 31 अगस्त है। एडमिशन के लिए कैंडिडेट ने बैचलर डिग्री यानी मिनिमम 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ कंप्लीट की हो। ऑफर होने वाले डिग्री प्रोग्राम्स में शामिल हैं फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंसेज में कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, जियोफिजिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और स्टैटिस्टिक्स, फैकल्टी ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज में बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, एनवायरमेंटल साइंसेज, माइक्रोबायोलॉजी और जुआलॉजी, और फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज में आर्कियोलॉजी, बीबीए, इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी। बीएस प्रोग्राम्स के फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन कायदे आज़म यूनिवर्सिटी की तरफ से पहली बार किए जा रहे हैं, इसलिए इनके प्रीवियस क्लोजिंग मेरिट्स का कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। बीएस फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए फ़ी स्ट्रक्चर बीएस मॉर्निंग रेगुलर प्रोग्राम के फ़ी स्ट्रक्चर के जितना ही है।
इसकी डिटेल आपको कायदे आज़म यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एडमिशन के लिए अप्लाई कायदे आज़म यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम के थ्रू होगा। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के इस पेज से ऑनलाइन अप्लाई करें। ऑनलाइन अप्लाई करते हुए इन तमाम डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेड कॉपीज़ को स्कैन करके अटैच करें। अप्लाई करते वक्त कैंडिडेट्स 3 रेगुलर और 3 सेल्फ फाइनेंस प्रोग्राम्स की प्रेफरेंस सेलेक्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी हबीब बैंक लिमिटेड की किसी भी ब्रांच में 2115 रुपये या अस्करी बैंक लिमिटेड की किसी भी ब्रांच में 2100 रुपये डिपॉजिट कराएँ। ऑनलाइन एडमिशन डाटा समरी शीट में स्कैन डॉक्यूमेंट्स के साथ बैंक चालान भी अटैच करना होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन 31 अगस्त से पहले कंप्लीट करें। पहली मेरिट लिस्ट 7 सितंबर को डिस्प्ले होगी, सेकंड लिस्ट 14 सितंबर को और थर्ड लिस्ट 18 सितंबर को लगेगी। मेरिट कैलकुलेशन कैंडिडेट्स की प्रीवियस एकेडमिक परफॉर्मेंस यानी मैट्रिक, इंटरमीडिएट और बीए या बीएससी के मार्क्स की बेसिस पे की जाएगी। तमाम सब्जेक्ट्स में सेल्फ फाइनेंस की लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा बीएस प्रोग्राम्स के 5th सेमेस्टर में एडमिशन के लिए चिल्ड्रन ऑफ आर्मी पर्सनल, डिसेबल्ड पर्संस, माइनॉरिटीज़ और फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व सीट्स भी अवेलेबल हैं। हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स की बुनियाद पर प्रोवाइड की जाएगी। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से रब्ता करें।